हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। इससे पहले वाली क्लास में आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आइडिया देखा था। आज उसके बाद का कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, सबसे पहला एक टॉपिक है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो आप इसका ये जवाब देना है। मान लीजिए एक कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा? यदि एक मैट्रिक्स ए, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। क्या हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। मतलब ए ए डैश या तो ए डैश ए बराबर आई हो जाए। अगर ऐसा होगा तो एक ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यानी ए गुना ए डैश या ए डैश गुना ए बराबर आई हो जाए, तो ए आपका कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, इस बात को हमने लिख दिया है, आप समझिए। हमने लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल, इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ए डैश ए ए डैश बराबर ए डैश ए, है ना, ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, बराबर आई। अगर ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई हो, आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। ए डैश क्या है? मैट्रिक्स ए का स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। क्या है? ट्रांसपोज है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा हुआ तो मैट्रिक्स ए आपका कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसलिए हमने लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब आ जाइए, ये दो छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है। एक बात हमने लिखा इफ ए इज ऑर्थोगोनल, ध्यान दीजिए, अगर ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई है, अगर ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जरा गौर करिएगा, यदि आपका ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो गारंटी है ए डैश भी ऑर्थोगोनल होगा। कहिएगा कैसे? मान लीजिए ये आपका ए डैश कोई मैट्रिक्स है, ए डैश गुना ए डैश का डैश करिए, बोलिए ए डैश गुना ए डैश का डैश करेंगे, इसका मतलब क्या होगा? ए डैश गुना ए, क्योंकि ए डैश का डैश मतलब क्या होता है? ए होता है ना, तो ए डैश गुना ए, है ना, बराबर हो गया आपका क्या? आई। इसलिए हमने लिखा यदि आपका ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो भी निश्चित रूप से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, वो भी निश्चित रूप से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। मैंने कंसेप्ट है ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई, ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई। अगर एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, है ना, या एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और वही मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और यदि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इसलिए हमने साथ साफ साफ लिख दिया If A is orthogonal, then A dash is also orthogonal. अगर A आपका orthogonal matrix होगा, A dash जो होगा, वह भी definitely orthogonal matrix होगा। एक और बात, If A and B are orthogonal matrices of same order, अगर मान लीजिए A और B दोनों सेम ऑर्डर का orthogonal matrices है, ध्यान दीजिएगा, यदि A और B दो सेम ऑर्डर का orthogonal matrices है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा AB, ए और बी का प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी।
और बी और ए का प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं, बी ए। यानी हम बोलना चाहते हैं यदि ए तथा बी दो सेम ऑर्डर का ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है तो ए बी और बी ए दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगा। ए बी भी कैसा मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल। बी ए भी कैसा मैट्रिसेस होगा, ऑर्थोगोनल। ओके, इतना बात याद रखिएगा। यानी ऑर्थोगोनल में हमने क्या बताया, यदि ए ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो आपका ए कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा बात हमने बताया, यदि ए ऑर्थोगोनल होगा तो ए डैश निश्चित रूप से ऑर्थोगोनल होगा। तीसरा बात हमने कहा, यदि ए तथा बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, और यदि ए तथा बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हो तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए बी तथा बी ए दोनों क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। इस स्टेप को देख लीजिए, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ओके, क्लियर हो गया। अब आ जाइए पांच नंबर में, बड़ा सुंदर मैट्रिसेस है, इसको भी आप जानिए। इसका नाम है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, छोटी सी बात है, जरा गौर करिए। हमने लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन। ये किस रिलेशन को संतुष्ट करता है, कौन से संबंध को संतुष्ट करता है, तो हमने लिखा है प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर बराबर ए, ए स्क्वायर बराबर ए। देखिए कितनी सुंदर बात है, ए स्क्वायर बराबर ए। अगर ए स्क्वायर बराबर ए हुआ, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर करने पर वापस लौट के वही मैट्रिक्स आ जाए तो इस मैट्रिक्स ए का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का नाम कहलाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। फिर से सुन लीजिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पर अगर वही मैट्रिक्स लौट के आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। बोलिए क्या नाम होगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। माने कॉन्सेप्ट है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर बराबर ए, ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको समझने के लिए। देखिए मान लीजिए एग्जांपल, लेट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का मान क्या है, 2-2-4, -1-3-4, 1-2-3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब चूंकि आप दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने के लिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जानते हैं, जानते ही नहीं जानते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा। आप क्या करिएगा, आप निकालिए यहाँ ए गुण ए स्क्वायर। आप क्या निकालिएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब आप क्या निकालिएगा, ए गुना ए, ए गुना ए। आप गौर करिए, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होगा 2-2-4, है ना। थोड़ा उधर हटा के लिखते हैं, ए लिखिएगा, ए के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 2-2-4, उसके बाद -1-3-4, 1-2-3, ये आपका ए हो गया। वापस ए से आप मल्टीप्लाई करिए इसको, ए के जगह पे 2-2-4, -1-3-4, 1-2-3 दिया हुआ। जैसे आप ए से को ए से मल्टीप्लाई करिएगा, रो कॉलम वाइज आप गुना करिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, इसको गुना करने पर भी वापस यही चीज लौट करके आ जाएगा। क्या आप इसका गुना कर सकते हैं क्या, तो जो भी लौट के आ जाएगा वो निश्चित रूप से क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो क्या होगा, ए होगा। मतलब यहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए हो गया। इसलिए ए कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वह यदि एक खास कंडीशन को फुलफिल करेगा, कौन सा कंडीशन, अगर उस मैट्रिक्स का हम वर्ग कर दें या उस मैट्रिक्स को खुद उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर लौट के वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ए स्क्वायर बराबर अगर ए आ जाए तो ए आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। लिख देंगे यहाँ पे सो, इसलिए ए इज, या यहाँ पे लिखिए सो
ए इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, समझ गए बात को, है ना। यानी हम ये बोलना चाहते हैं अगर कोई मैट्रिक्स इस खास रिलेशन का पालन करता है, ए स्क्वायर बराबर ए का पालन करता है, तो उसका नाम होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा इसको तेजी से लिख लीजिए तेजी से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे का चर्चा करेंगे जल्दी से। मिटा सकते हैं, हो गया, जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, हो गया, मिटा रहे हैं आप, मिटा सकते हैं, थोड़ा मिटा दे। अब आइए, है ना, इसके बाद हम लोग छठा नंबर में पढ़ते हैं इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। क्या नाम है? इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स, समझ गए बात को। पहले इसके डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर बराबर आई, समझ गए बात को। यानी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर आई। मतलब मान लीजिए अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप उसका वर्ग करते हैं, और वर्ग करने पर अगर वही मैट्रिक्स लौट के आ जाता है तो उसका नाम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, और ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका वर्ग करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट के रूप में आता है, ए स्क्वायर बराबर आई हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स हो, तो उसका नाम होता है इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। क्या नाम होता है? इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। इसको आप ये कंडीशन को ध्यान रखिएगा, अगर ए स्क्वायर बराबर आई हो, बोलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो, आई हो, तो उसका नाम होगा इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। ए स्क्वायर बराबर आई हो तो उसका नाम क्या होगा? इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अब आ जाइए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए लेट एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 0 1 1 0, एक मैट्रिक्स ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन डायगनल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन डायगनल बोलते हैं। देखिए मेन डायगनल का सारा एलिमेंट क्या है? 0 है, आपको दिख रहा है। अब आप गौर करिए, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है 0 1 1 0। अब हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए गुना ए। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के जगह पे क्या होगा? 0 1 1 0, ये ए के जगह पे है। अब दूसरा ए का बात करेंगे तो दूसरा ए के जगह पे भी क्या लिखेंगे? 0 1 1 0, ये आपका ए स्क्वायर हो गया, है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए गुना ए, ए गुना ए, ए के जगह पे क्या होगा? 0 1 1 0। दूसरा ए के जगह पे क्या होगा? 0 1 1 0, ये ए स्क्वायर हुआ। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसा होता है? रो कॉलम वाइज। देखिए पहला रो को पहला कॉलम से, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 गुना 0 क्या होगा? 0। अब 1 गुना 1 क्या होगा? 1। अब बताइए 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 1। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? देखिए 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, तो 0 प्लस 1, कोई दिक्कत? फिर आ जाइए, जब हम पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो को अगर दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 को 1 से गुना करिए 0, 1 को 0 से गुना करिए 0, यानी 0 प्लस 0 चलेगा। अब आ जाइए दूसरा रो को गुना करिए पहला कॉलम से,
तो वन को जीरो से गुना करेंगे, जीरो जीरो को वन से गुना करेंगे, जीरो तो जीरो प्लस जीरो हो गया। अब दूसरा रो को गुना करिए, दूसरा कॉलम से वन को वन से मल्टीप्लाई करिए, वन जीरो को जीरो से गुना करिए प्लस जीरो, वन प्लस जीरो। अब बताइए जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन, है ना। यानी ये आपका ए स्क्वायर आपने निकाला, अब ए स्क्वायर आपने निकाला वो क्या आ गया वन जीरो जीरो वन। अब बताइए ये कैसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है। आप कहेंगे सर यार एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्वभाव होता है जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके मेन डायगनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके मेन डायगनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर निकालने पर ये आ गया, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। बोलिए किसके बराबर है, आई के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर बराबर आई हो गया। बोलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आई हो गया, ए स्क्वायर बराबर आई हो गया। इसलिए ये आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा, इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। बोलिए एनी प्रॉब्लम। इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का नाम होगा इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। बोलिए क्या नाम होगा, इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। इसलिए हमने लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर बराबर आई। यानी इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स को इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, कौन सा कंडीशन, ए स्क्वायर बराबर आई। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर बराबर ए, ए स्क्वायर बराबर ए। एनी प्रॉब्लम। अब आइए, अभी हमने देखा इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो उसका नाम है इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। जरा इसको आप लिखिए, आप यहां से लिखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, आप इसको निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में लिखिए, लिखिए ए, यहां से ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव, ऐसे लिख लीजिए पॉजिटिव, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम, पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो, ए टू द पावर एम बराबर जीरो। ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो, सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो। जैसे यहां आपने देखा कि अगर ए स्क्वायर बराबर ए होता है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर बराबर आई होता है तो इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स है। अब अगर ए का पावर एम बराबर जीरो, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, अगर ए का पावर एम बराबर जीरो हो जाए तो आपका ए क्या कहलाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स, क्या कहलाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब कहेंगे एम क्या है, एम है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, नेचुरल नंबर, एम मतलब होता है एक दो तीन चार पाँच छः डॉट डॉट डॉट, एम क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। यदि ए का पावर एम बराबर जीरो हो जाए, मतलब ए स्क्वायर बराबर जीरो हो जाए,
या ए क्यूब बराबर जीरो हो जाए या ए फोर बराबर जीरो हो जाए, अगर ए का पावर एम बराबर एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए तो आपका ए कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स। खाली ये आपको कंडीशन रखना है याद, अगर ए का पावर एम बराबर जीरो हो जाए तो यह एक ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए बात को? एक बात और आप नीचे लिखिए, देखिए इफ इफ एम इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इफ एम इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो। एम क्या हो? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जिसके लिए ए का पावर एम बराबर जीरो हो, देन तब जाके जान लीजिए M is called the index, इसको बोलते इंडेक्स, इंडेक्स का हिंदी होता है घात। M is called the index of nilpotent matrix, M is called the index of nilpotent matrix। ये दोनों बात को याद रखना है। मैंने हमने लिखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, इफ M is the least positive integer, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जैसे मान लीजिए ए क्यूब बराबर भी जीरो है, ए का पावर फाइव बराबर भी जीरो है, तो दोनों में लिस्ट क्या है? ए क्यूब है। इफ एम इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो, इफ एम इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो, देन एम इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स माने घात, इंडेक्स माने घात पावर, देन एम इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, देन एम इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। समझ गए बात को? ये डिफिनेशन हमने लिखा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर एम बराबर जीरो, ए टू द पावर एम बराबर जीरो, जहां एम क्या है? वेयर एम इज द पॉजिटिव इंटी जर, एम इज द पॉजिटिव इंटीजर, एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो। समझ गए बात को? दूसरा बात लिखा, इफ एम इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए टू द पावर एम बराबर जीरो, देन एम इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्यूब बराबर अगर जीरो हो जाता है तो वो जो क्यूब है, जो पावर थ्री है, वही थ्री कहलाएगा उस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स। क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। समझ गए बात को? इसको आप तेजी से लिख लीजिए, फिर इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और हम लोग आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। थोड़ा जल्दी करिएगा। लिख लिए सब? लिख चुके हैं? अब इसको मिटा दें। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स का। मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स ए है, लेट मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स ए की जगह 1 1 3, मान लीजिए 1 2 3 5 2 6 ले लीजिए, उसके बाद -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -3 ले लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 दिया हुआ है। अब ये आपका ए है, अब एक काम आपको अपने से करना है। क्या करना है आपको? ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए गुना ए, ये आपका ए दिया हुआ है, ए को वापस ए से गुना करिए। ए स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए, अपने से निकाल लीजिए आप ए गुना ए। उसके बाद फिर अगेन आप वापस निकालिए, क्या निकालिए आप? ए क्यूब निकालिए। ए क्यूब का मतलब क्या होगा? जो भी ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करिए, क्या आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम बोलना चाहते हैं, आप ए क्यूब जैसे निकालिएगा तो आप देखिए ए क्यूब का मान क्या आएगा। ए क्यूब का मान आएगा 0 0 0
जीरो 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 बड़ा गुना होगा, गुना करने में तो आपको कोई परेशानी नहीं है, ए से ए स्क्वायर निकाल लिया, कैसे ए गुना है, अब ए क्यू निकालेंगे कैसे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू आ जाएगा, बोलिए ए क्यू आएगा कि नहीं आएगा, ए क्यू कैसे आएगा, ए स्क्वायर गुना है, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करिए तो आपका ए क्यू आ गया, आप देखेंगे ए क्यू का मान ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी ए क्यू बराबर जीरो हो गया, ए क्यू बराबर जीरो हो गया, आप कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, ये जो पावर में तीन देखते हैं यह इस निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा, पावर तीन क्या होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा, एंड थ्री इज द इंडेक्स समझ गए, इंडेक्स मतलब घात, थ्री इज द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, थ्री क्या कहलाएगा इंडेक्स कहलाएगा किसका निलपोटेंट मैट्रिक्स का, एंड थ्री इज द इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, समझ गए बात को, यानी हम सिखाना चाहते हैं अगर ए का पावर एम बराबर जीरो हो जाए तो एम क्या कहलाएगा, एम का जो छोटा से छोटा धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू, छोटा से छोटा जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा है ना वो इंडेक्स कहलाएगा, और यदि ए का पावर एम बराबर जीरो हो जाए तो आपका ए कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, ए आपका कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स, ए कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, समझ गए बात को, सभी बात को हमने बारी बारी से बता दिया, अब एक बार हम डिवीजन कर देंगे दो मिनट में, तब तक आप तेजी से उसको लिख लीजिए, विश्वास करते हैं उसको आप पहले लिख चुके होंगे, ये आपने लिख लिया है, लिखा लिख लिया, आप आइए थोड़ा सा मिटा देते हैं है ना, थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर दें आपको है ना, अभी तक हमने आपको जितना भी पढ़ाया सबको थोड़ा सा दो मिनट में रिवीजन कर देते हैं, सबसे पहला बात ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है गौर करिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, समझ गए बात को, तो अब अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज के लिए उसके रो को उसके कोरेस्पोंडिंग कॉलम में बदल देते हैं, हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिखाया था ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कोरेस्पोंडिंग कॉलम, यानी पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल देंगे, तो पहला रो को पहला कॉलम में ए बी, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में सी डी, देखिए यह इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, बोलिए एनी प्रॉब्लम, ट्रांसपोज आप समझ गए, दूसरा चीज हमने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने पढ़ाया कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वह मैट्रिक्स आपस में बराबर हो गया, यदि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वह मैट्रिक्स आपस में बराबर हो गया तो उसका नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलिए इसका नाम क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वह मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा तो उसका नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलिए क्या नाम होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए डैस बराबर ए हुआ तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा बात ध्यान दीजिएगा है ना, अगर आपका मान लीजिए एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ए बराबर ए डैस या ए डैस बराबर ए की बात हुआ, अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हुआ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा बात अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज विथ नेगेटिव साइन आपस में बराबर हुआ तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलिए क्या नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा तो उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके अब आ जाइए, अगर कभी आपका ध्यान दीजिएगा कोई मैट्रिक्स ए है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ठीक है, और ए स्क्वायर करने पर अगर वापस ए आ जाए, ए स्क्वायर करने पर क्या आ जाए वापस ए आ जाए है ना, ए स्क्वायर करने पर वापस ए आ जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या नाम होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या नाम होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स,
ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर, ए का स्क्वायर करने पर अगर वापस ए आ जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, अब आ जाइए, अगर कभी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, कैसा मैट्रिक्स आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। अगर ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए तो उसका नाम होगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आखिरी, अगर ए का पावर एम बराबर, एम क्या है? एम आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है ना। तो अगर ए का पावर एम बराबर 0 आ जाए, 0 माने 0 मैट्रिक्स, अगर ए का पावर एम बराबर 0 आ जाए तो ये आपका कहलाएगा कैसा मैट्रिक्स? निलपोटेंट मैट्रिक्स। बोलिए कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स। यदि ए का पावर एम बराबर 0 आ जाए ये कैसा मैट्रिक्स होगा? निलपोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, आई प्लस है। फिर हमने सिखाया था अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, ए गुना ए डैश या ए डैश गुना ए बराबर आई हो जाए तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बोलिए क्या नाम होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इन सारी बातों को हमने देखा, अगर ए बराबर ए डैश होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बराबर माइनस ए डैश होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर बराबर ए होगा तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर बराबर आई होगा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ए का पावर एम बराबर 0 होगा निलपोटेंट मैट्रिक्स, ए ए डैश या ए डैश ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए तो उसका नाम होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बोलिए यस या नो। हर एक मैट्रिक्स को आज हमने बताने का प्रयास किया, इसके बाद हम लोग केसी सिन्हा के अनुसार से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन बनाएंगे। समझ गए बात को? आप घर में पूरा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन बनाएंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। अगले क्लास में आपको हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को है ना, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा एक्सरसाइज 5.3 का है ना, वो हम बताएंगे आपको। लेकिन उसका सवाल बनाने से पहले आपको हर एक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ट्रांसपोज का, सिमेट्रिक का, स्क्यू सिमेट्रिक का, और इस पर हमने जितना भी ऑब्जेक्टिव आइडिया बताया, जैसे बताया था प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, वो सब काफी इंपॉर्टेंट है, सभी पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इससे पिछले वाले वीडियो को भी आप अच्छा से देखें, समझें, समझने का प्रयास करें। समझ गए बात को? अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप उसको बेहिचक कमेंट करें, है ना। आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, है ना, ये समझने के लिए है। विश्वास करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इसका ए क्यूब भी निकाल लीजिएगा अपने से, है ना, आराम से। पहले ए गुना ए ए स्क्वायर निकालिएगा, फिर ए स्क्वायर को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर केसी सिन्हा का क्वेश्चन बता देंगे मैट्रिक्स का, तब हम मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, समझ गए बात को, जिसमें आपको दिक्कत होगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे डिटरमिनेंट। पहले एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज 5.4 है, उसमें आप बड़ा बड़ा मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। ओके, विश्वास करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, बने रहिए अभिमन्यु सर के साथ, मिलते हैं कल इसी चैनल पे इसी समय में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु सर।